सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में आज फांसी की सजा पाए 15 लोगों की सजा को उम्र कैद में बदला। अदालत ने कहा कि दोषियों की मानसिक अस्थिरता और सजा में हुई देरी के आधार पर इन लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा रहा है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के धरने के खिलाफ फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई करने की जल्दबाजी में नहीं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक दिल्ली के संवैधानिक ढांचे को सरकार बरकरार रखेगी, लेकिन राजधानी की कानून व्यवस्था और पुलिस केंद्र सरकार के ही तहत रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद उनके समर्थक नई दिल्ली में रेल भवन के पास दे रहे हैं धरना। धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वह भाजपा और कांग्रेस की राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता की नजरों में सेक्स रैकेट मुद्दा है, जबकि मीडिया की नजरों में सोमनाथ भारती मुद्दा बने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागकर फैला रहे हैं अराजकता। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पूरे देश का समारोह है और उसकी जिम्मेदारी केंद्र के साथ दिल्ली सरकार की भी है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने गणतंत्र दिवस के महत्व की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी सरकार देश में भाजपा के प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के विरोध में उतरे राजनीतिक दलों को समाजवादी पार्टी ने दिया झटका। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने केजरीवाल को सही ठहराते हुए कहा कि वो अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं संघर्ष। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने विरोध प्रदर्शनों को जरूरी बताते हुए कहा कि पार्टी व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को उठाती रहेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि धरने से यातायात के लिए नहीं खड़ी हो रही कोई समस्या। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से अपने आवास पर मुलाकात की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिली सफलता पर पूरा देश उत्साहित है और आने वाले समय के लिए हम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण मिशन के तहत बेहतर काम करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नगरों को किया सम्मानित। भारत की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सानिया कारा को इटली की सारा ईरानी और रॉबर्टा विंसी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। हैमिल्टन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन पिछले मैच में जीत से 24 रन दूर रह गई धोनी की टीम ने हैमिल्टन में तस्वीर बदलने के दिए संकेत।